हेलो भाई लोग, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी का गौरव झा फिटनेस में। तो भाई लोग, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्राइसेप्स के ऊपर वर्कआउट। भाई ट्राइसेप्स नहीं बन के आ रहा है तो आज मैं बताने वाला हूँ कि ट्राइसेप्स कैसे आप लोग बना सकते हो। तो आज बताने वाला हूँ, इस भाई के साथ एक्सरसाइज करेगा और आप लोग को बताएगा कि ट्राइसेप्स किस तरीके से आप बनाओगे और ट्राइसेप्स के लिए कौन कौन सा एक्सरसाइज करोगे जिससे कि जल्द से जल्द रिजल्ट मिले आपको और आपका ट्राइसेप्स भी बिल्कुल ही अच्छा हो गया। ठीक है, तो सारा एक्सरसाइज वर्कआउट देखो, साथ आप लोग भी फॉलो करो। बेहतर ट्राइसेप्स चाहिए तो सारा एक्सरसाइज देखिए, फॉलो करोगे तो आपको भी ट्राइसेप्स अच्छा होगा। ट्राइसेप्स अच्छा होने से क्या होगा फायदा भाई? ट्राइसेप्स अच्छा होने से आपका बाइसेप्स का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। ट्राइसेप्स अच्छा रहेगा तो बाइसेप्स का साइज भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। पूरा का पूरा आर्म्स आपका बिल्कुल ही हैवी दिखेगा भाई। तो साथ में करेंगे भाई के साथ, सारा एक्सरसाइज फॉलो करो। आप लोग भी, अगर आप लोग को ट्राइसेप्स चाहिए, बेहतर ट्राइसेप्स चाहिए तो कौन कौन सा एक्सरसाइज आप लोगों को करना होगा वीडियो में देखो। ए टू जेड आपको सारा बताने वाला हूँ क्लियर करके। तो देखो बेहतर तरीके से हमारा होने वाला है भाई, सिंपल लगाएंगे बेंच पे डिप्स। ठीक है, ग्रिप रखेंगे बिल्कुल शोल्डर के क्लोज करके, शोल्डर के सामने सामने, और लगाएंगे बेंच डिप्स जिसमें कि आपको लगाना है 15 से 20 रेपिटेशन आपका रहेगा और फॉर्म बिल्कुल इस तरीके से रहेगा। पाँव को बिल्कुल सामने की तरफ रखोगे जिससे कि सारा का सारा बॉडी वेट आपका पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ ट्राइसेप्स पे और आपका ट्राइसेप्स बेहतर हो जाएगा। इस एक्सरसाइज आपको ट्राइसेप्स का दिन स्टार्ट करना है, ट्राइसेप्स का वर्कआउट स्टार्ट करना है जिससे कि आपका प्रॉपर ट्राइसेप्स बेहतर बन के आए। और सारा एक्सरसाइज सारा कुछ आप फॉर्म के साथ देखो, रेपिटेशन के साथ देखो जिससे कि आपको किसी तरीके का कन्फ्यूजन न हो और आपका ट्राइसेप्स भी बेहतर बन के आए। ये हमारा होने वाला है पहला एक्सरसाइज। चलोगा 5 रेपिटेशन और 5 चार, और हाथ को रखना भाई क्लोज जिससे कि सारा टेंशन क्रिएट होगा आपके सिर्फ और सिर्फ आपके ट्राइसेप्स पे। ट्राइसेप्स तगड़ा करना है, चलो रिलैक्स छोड़ो। तो ये हमारा हो गया भाई, ये हमारा हो गया पहला वाला है भाई। सिंपल रोप से लगाएंगे, रोप यहाँ पे आपको अटैच करना है ऊपर के साइड में और रोप से लगाना है आपको ट्राइसेप्स पे फोकस करके। ट्राइसेप्स के लिए सिंपल ट्राइसेप्स पुश डाउन, इसमें क्या होगा सारा एक्सरसाइज रोप की मदद से डालेंगे और सारा का सारा टेंशन क्रिएट करने वाले ट्राइसेप्स वाले मसल। आप देखो ध्यान से कि ट्राइसेप्स वाले मसल पे काम हो रहा है नहीं हो रहा है। और आपको ट्राइसेप्स चाहिए भाई बेहतर, तो ये एक्सरसाइज आपको पोस्चर बिल्कुल इस तरीके से पोस्चर रहेगा आपका और ट्राइसेप्स बिल्कुल फोकस हो जाएगा। और सारा एक्सरसाइज करते करते आपको ध्यान रखना है कि आपको फोकस जो है सारा का सारा ट्राइसेप्स पे होना चाहिए। शोल्डर ज़्यादा इंगेज नहीं होना चाहिए, आपको आर्म्स ज़्यादा इंगेज नहीं होना चाहिए, ट्राइसेप्स पे सारा का सारा फोकस होना चाहिए। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। दूसरा नंबर एक्सरसाइज जो कि हम किए हैं यहाँ पे रोप के साथ, अभी चलते हैं भाई तीसरा नंबर एक्सरसाइज हमारा होने वाला है बेहतर ट्राइसेप्स के लिए कौन सा होगा। और हमारा तीसरा नंबर एक्सरसाइज क्या होने वाला है भाई? तीसरा नंबर एक्सरसाइज होगा जिसमें कि हम रखेंगे रोप को अपने बिल्कुल ही सामने। ठीक है, रोप को सामने रखने से एल्बो को रखेंगे बिल्कुल ही फ्रंट पे रखेंगे। एल्बो को कोई मूवमेंट नहीं होगा, एल्बो यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जाना है ऊपर की तरफ, एल्बो को क्लोज करो। एल्बो क्लोज रहेगा सारा का सारा टेंशन क्रिएट होगा सिर्फ और सिर्फ बाइसेप्स वाले मसल पे। तो ट्राइसेप्स वाले मसल पे, तो आपका यहाँ पे आपको फिक्स करना है पहले तो रॉड को और फिर ऊपर लेके जाना है। इस तरीके से पोस्चर रहेगा, ध्यान रखना है कि आपका जो एल्बो है ये बिल्कुल स्टेबल रहेगा। जितना चलो ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, लेके जाओ। आप बहुत अच्छे फोकस, देखो ध्यान से नीचे जाओ, ऊपर लेके जाओ, करते रहो एक्सरसाइज। एल्बो को अगर यहाँ फिक्स रखोगे तो देख लो सिर्फ और सिर्फ ट्राइसेप्स आपका बेहतर तरीके से पंप हो जाएगा। ये एक्सरसाइज हमारा एक्सरसाइज नंबर थर्ड हो गया। जिन बिगनर भाई को ट्राइसेप्स का कुछ उतना आइडिया नहीं है तो साथ में फॉलो करते रहोगे तो आपको भी बेहतर ट्राइसेप्स बन के आएगा और ट्राइसेप्स बनेगा तभी आपका आर्म्स भी हैवी दिखेगा। फिक्स करना है, ऊपर लेके जाना है और ट्राइसेप्स को बच्चे बेहतर तरीके से ट्रेन करना है। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज भाई, हमारा चौथा नंबर एक्सरसाइज होगा सिंपल, उस पर लगाएंगे सिंपल जिग-जैग वाले रॉड पे लगाएंगे जो कि आप लोगों को जिम में होगा तो वो ले आओगे, उससे हमारा चौथा नंबर एक्सरसाइज होने वाला है भाई। भाई सिंपल वही जिग-जैग वाले रॉड से लेके जाना है और यहाँ पे इसको एल्बो को यहाँ पे लॉक करना है, पूरा ऊपर लेके जाना है ट्राइसेप्स को। चलो 5 बहुत अच्छे, 4 बहुत अच्छे, 3 बहुत अच्छे, 2 चलते रहो, 4 चलो, 3 अप चलो, 2 अप। एक्सरसाइज नंबर 4th जो कि हमारे बेहतर ट्राइसेप्स के लिए है। तो इससे क्या करना है आपको जिग-जैग वाले रॉड से, और पोजीशन आपका सेम रहेगा कि एल्बो एक बार और करके दिखाओ, दो बार और करो। आपको एल्बो पे में जितना फोकस रखोगे उतना ज्यादा आपका ट्राइसेप्स बेहतर तरीके से पंप हो गया। नीचे बैठना है, बैठने से सारा का टेंशन क्रिएट होगा आपके सिर्फ और सिर्फ ट्राइसेप्स पे। नीचे जाओगे ऑल द वे अप। देखो सारा का सारा फ्लेक्स आपका ट्राइसेप्स हो रहा है और ट्राइसेप्स आपका बेहतर बन के आएगा भाई। और मैं बोल रहा हूँ कि आप करके देखोगे तो रिजल्ट बेहतर तरीके से आएगा। ये सिर्फ 4 एक्सरसाइज है और ट्राइसेप्स का पंप देख लो बिल्कुल ही सामने, रिजल्ट आपको बिल्कुल ही सामने दिखेगा भाई। ठीक है, तो ट्राइसेप्स तगड़ा चाहिए, साथ में फॉलो करते आप लोग। मेरा ट्राइसेप्स पंप नहीं, कभी मैं एक्सरसाइज किया नहीं हूँ, बट इस भाई का पंप आपको खुद दिख जाएगा कि वर्कआउट करते करते किस तरीके का पंप आपको होने वाला है, कितना बेहतर तरीके से आप पंप ला सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल का डंबल से क्या करेंगे, किकबैक्स लगाएंगे। किकबैक्स लगा के सिर्फ फोकस करके ट्राइसेप्स स्क्वीज, पीछे आके ट्राइसेप्स स्क्वीज। जनरली जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो ट्राइसेप्स का कर रहे हो उसमें ध्यान रखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा रोल प्ले होता है आपका एल्बो का। जितना एल्बो स्टेबल रखोगे उतना ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा आपका ट्राइसेप्स बेहतर हो गया। ध्यान रखो ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज कर रहे हो तो एल्बो आपका स्थिर होना चाहिए, एल्बो में ज़्यादा कुछ मूवमेंट लगाना है। किकबैक जिसमें कि आराम से धीरे धीरे लगाओ, कोई जल्दबाजी नहीं, पूरा पीछे लगे जाओ, तो इस तरीके से आपको लगाना है किकबैक जिसमें कि एल्बो यहाँ पे कर लेना आपको लॉक, पूरा पीछे लगे और पीछे लगे जाओ। बॉडी का पोस्चर देखो किस तरीके से रहेगा,
इस तरीके से पोस्चर रहेगा आपको, इसको क्या कहते हैं किक बैक्स भाई। और पीछे लेके जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ ट्राइसेप्स आपका स्क्वीज होके, ट्राइसेप्स पे फोकस देखो, दो तीन एक्सरसाइज के बाद किस तरीके से कट वगैरह निकल के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो ट्राइसेप्स बेहतर तरीके से बिल्ड करना, तो ये किक बैक्स को अपने वर्कआउट में ऐड करोगे ही करोगे, जिससे कि आपका आर्म्स भी बेहतर होकर आएगा और आपका पूरा का पूरा ट्राइसेप्स भी बेहतर तरीके से बिल्ड होकर आएगा। तो ये एक साथ हमारा किक बैक जो कि हमको लगाना डंबल के साथ बेहतर ट्राइसेप्स के लिए, साथ में फॉलो करोगे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा और आपको ट्राइसेप्स कट के साथ बिल्कुल ही हैवी दिखेगा भाई। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ भाई, फ्लेक्स करते हैं ट्राइसेप्स किस तरीके से बन रहा है, क्या बना नहीं बन रहा है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, उस साथ का दिखाओ, उस साथ का दिखाओ, ठीक है। चलो रिलैक्स, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते भाई। अभी नेक्स्ट होने वाला है भाई, एक साइड का ट्राइसेप्स को ट्रेन करना है, तो एक साइड का ट्राइसेप्स को इस मशीन के जैसे यहाँ पे फिक्स कर लोगे और इसका सारा जो भी आपका लगा हुआ है, जो भी रोप लगा हुआ था उसको हम निकाल दिए हैं। और हम क्या करेंगे, हाथ को यहाँ पे, एल्बो को यहाँ फिक्स करेंगे और ये एक्सरसाइज करेंगे हम सेकंड लास्ट या फिर एंड में नीचे जाके, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा टेंशन क्रिएट हो और आपका ट्राइसेप्स बिल्कुल फट के बाहर आएगा। ऐसा एक्सरसाइज बता रहा हूँ कि अगर आप ऐड नहीं किए हो और एक्सरसाइज अगर ऐड करते हो तो तुरंत आपको फर्क दिख जाएगा एक्सरसाइज का यहाँ काम हुआ है नहीं हुआ है। ट्राइसेप्स का बहुत एक्सरसाइज करते हो लेकिन ये सारा एक्सरसाइज इस वे में अगर ऐड करोगे तो आपका ट्राइसेप्स बिल्कुल ही बेहतरीन दिखेगा भाई। और गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपका ट्राइसेप्स नहीं बन गया, ट्राइसेप्स आपका बन गया। चलो दूसरी साइड चलो, दूसरी साइड से इसमें आपका सारा का सारा जो भी वेट जो भी लगा रहे हो, एक प्लेट दो प्लेट तीन प्लेट जिससे भी लगाओ, तीन सेट लगाना है, ध्यान रखोगी एल्बो भाई का देख रहे हो सारा कुछ यहाँ पे लॉक है, हिल नहीं रहा है एल्बो, यहाँ पे लॉक है, ये एल्बो लॉक है, नीचे जा रहा सारा का सारा टेंशन के थोड़ा सिर्फ और सिर्फ ट्राइसेप्स वाले मसल पर। ट्राइसेप्स बिल्कुल ही, अगर आपका आर्म्स बड़ा हो जाएगा ट्राइसेप्स नहीं दिखेगा भाई, तो बिल्कुल आर्म्स का सेप भी नजर नहीं आएगा। तो ट्राइसेप्स चाहिए ही चाहिए, जो भाई मेरा वर्कआउट कर रहा है, जो भाई वर्कआउट कर रहे हैं उन सभी को चाहिए कि ट्राइसेप्स बेहतर तरीके से बेहतर एक्सरसाइज पता हो कि ट्राइसेप्स कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नेक्स्ट हमारा लास्ट एक्सरसाइज होने वाला है, जो कि बेहतर ट्राइसेप्स के लिए आपको चाहिए, जिसमें कि पुशअप्स एक लगाने वाले हम, जिसमें कि हाथ बिल्कुल ऐसे करेंगे, जैसे ऊपर जाएंगे बॉडी वेट से पूरा ट्राइसेप्स को फाड़ देंगे। ये एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा भाई, को मैं बताने जा रहा हूं, आप लोग देखो इस एक्सरसाइज से वर्कआउट को आपको फिनिश करना है, 200% रिजल्ट मिलेगा। सेम एक्सरसाइज अगर रिपीटेशन अच्छा रखे और वेट अच्छा रखे आप अगर करते हो तो लास्ट में बॉडी वेट के साथ फिनिश करना है। इस तरीके से होने वाला है आपका, सिंपल बॉडी कमर ऊपर पूरा बैक आपका स्ट्रेट रखना है, हाथ बिल्कुल इस तरीके से रखना है अल्टरनेट करके, जैसे कि ऊपर जाओगे तो बॉडी वेट का सारा जोर आपको पड़ेगा ट्राइसेप्स पर, रखा ट्राइसेप्स बेहतर ठीक है। लगाओ 10 रिपीटेशन, 10, 9, 8, 7 पूरा ऊपर, 6, 5 कमर ऊपर, 4, 3, 2, 1 चलो खड़े हो जाओ, तो अभी ट्राइसेप्स दिखाओ, फ्लेक्स करो ट्राइसेप्स, पसीना देख लो भाई, इससे पता चला कि वर्कआउट किस तरीके का हुआ है नहीं हुआ है। ट्राइसेप्स फ्लेक्स करो साइड से, बहुत अच्छा ट्राइसेप्स देख लो आप किस तरीके का पंप करते हो, तो आपका ट्राइसेप्स पंप होके आएगा, आपका आर्म्स बिल्कुल सेप में दिखेगा। तो करो, जिन भाई को ट्राइसेप्स चाहिए और कुछ क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम है, ट्राइसेप्स के लिए सारा एक्सरसाइज है, जो अगर आप बाइसेप्स के दिन भी ट्राइसेप्स ऐड कर दो तो आपका आर्म्स का वॉल्यूम बढ़ के आएगा, ट्राइसेप्स का नीचे का पार्ट जो है वो जरूरी है बनना, तो बनाओ भाई, बेहतर बनो, बेहतर आर्म्स चाहिए तो बेहतर ट्राइसेप्स बनाओ और बेहतर दिखो भाई।